हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जी एस आज तक मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, CDPO और SDM के जॉब प्रोफाइल का कंपैरिजन आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। यह वीडियो आप लोग के विशेष डिमांड पर लाया गया है। दोनों में कौन सा जॉब बेहतर है, पूरे विस्तार से हर एक पहलू पर डिस्कस करके मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि दोनों का जो SDM और CDPO दोनों का रिक्रूटमेंट BPSC के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। BPSC दोनों का एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करती है और इसका एग्ज़ाम 3 लेवल का होता है, PT, मेंस और इंटरव्यू। तीनों में जो क्वालिफाई करते हैं उनका अंतिम रूप से चयन होता है। जबकि आपको बताते चले कि SDM जो है, SDM का जो पद है वो कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंतर्गत होता है, जबकि CDPO की अलग से बहाली होती है। कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। तो CDPO का अलग से बहाली BPSC ही लेती है और SDM का जो बहाली होता है वो कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होती है, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, उसके अंतर्गत होता है। तो बहाली की प्रक्रियाएँ समझ गए। अब कौन से डिपार्टमेंट में आपको ज्वाइनिंग कराया जाता है, कौन सा डिपार्टमेंट आपका कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है, कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि SDM का जो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है वो कार्मिक प्रशासन विभाग है, ठीक है। कार्मिक प्रशासन विभाग है, कार्मिक प्रशासन विभाग ही उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर सारे सेवा शर्तों के लिए जिम्मेदार होते हैं। वहीं CDPO की बात करें तो समाज कल्याण विभाग जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर और CDPO के जो भी जॉब प्रोफाइल्स हैं और सेवा शर्तें हैं उनके लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। उसी तरह ये दोनों जॉब जो है वो ग्रुप बी का जॉब है, ठीक है। दोनों जॉब जो है वो ग्रुप बी का जॉब है, जबकि दोनों का डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, दोनों का कार्य भी स्वाभाविक रूप से अलग अलग होंगे। पोस्टिंग की बात करें तो दोनों का पोस्टिंग भी अलग अलग होता है। SDM की पोस्टिंग सब डिवीजन लेवल पर होता है, इसीलिए SDM का मतलब ही होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जबकि CDPO जो होते हैं, CDPO का मतलब समझते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, और इनकी जो पोस्टिंग होती है ब्लॉक स्तर पर होती है, प्रखंड स्तर पर इनकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। तो पोस्टिंग से संबंधित भी कन्फ्यूजन आपके दूर हो गए। SDM की पोस्टिंग सब डिविजन लेवल पर होगी, जबकि CDPO अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का पोस्टिंग ब्लॉक लेवल पर होगा, ठीक है। अब हम लोग सैलरी की बात करते हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि दोनों की सैलरी सेम है। सैलरी क्या है, सेम है, लेकिन अलाउंस में अंतर हो सकता है। अलाउंस किसको ज़्यादा मिल सकता है, तो अलाउंस जो है वो ज़्यादा मिलेंगे आपको SDM को, ठीक है। दोनों को 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल 9 की सैलरी दी जाती है, जिसका बेसिक जो होता है वो 53,100 से 1,67,800 के बीच होता है। अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो बेसिक सैलरी मतलब 53,100 के अलावा, ठीक है, DA मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, जिनको आवास नहीं अलॉट होता है उनको आवास का भी HRA मिलता है। इसके अलावा और सारे अलाउंस जो सरकार, बिहार सरकार जो निर्धारित करती है, वो सभी अलाउंस इनको मिलती है। तो ग्रोथ सैलरी की बात कर ले तो लगभग ये सैलरी जो है वो 65,000-70,000 के आसपास में, 65,000-70,000 के बीच इनकी सैलरी हो जाती है, लेकिन SDM की सैलरी अलाउंस के कारण ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा इसलिए हो जाती है कि उनको बहुत सारे अलाउंस जो होता है वो सरकार, जो बिहार सरकार निर्धारित करती है, उनको दिया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फैसिलिटीज़ की, कि कौन कौन से फैसिलिटीज़ किसको किसको मिलता है। तो जहाँ तक आपको बात है कि SDM को ज़्यादा फैसिलिटीज मिलेगा, चूँकि वह एक प्रशासनिक अधिकारी होता है सब डिवीज़न लेवल पर, और यूँ समझ लीजिए कि वो सब डिवीज़न लेवल का DM होता है, ठीक है। तो DM है तो स्वाभाविक रूप से उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगी। उनको आवास की फैसिलिटीज़ मिलती है, गाड़ी मिलती है, गार्ड्स मिलते हैं, आदेशपाल मिलते हैं। जबकि CDPO की बात करें तो आवास तो मिलती है लेकिन उनको गाड़ी नहीं मिलता है, उनको पर्सनल गाड़ी यूज़ करना होता है कहीं जाने आने के लिए। उनको कोई गार्ड भी नहीं प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, और आदेशपाल तो उनको मिलते ही मिलते हैं। तो गाड़ी और गार्ड, ये दो चीज़ जो है CDPO को नहीं प्रोवाइड कराई जाती है, जबकि इन ये सभी जो फैसिलिटीज़ है वो SDM को मिलते हैं। जबकि इससे और अधिक फैसिलिटीज़ मिलते हैं, क्योंकि आवास पर भी उनके आदेशपाल होते हैं, आवास पर भी कार्यालय होते हैं SDM के। इसके अलावा माली जो होते हैं वो भी मिलते हैं फूल वगैरह की देखरेख करने के लिए, ठीक है। तो और सारे मतलब 4-5 इनको प्यून मिल जाते हैं, जबकि इतने सारे प्यून जो है वो CDPO को प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं, इनको कार्यालय के लिए ही कराए जाते हैं, ठीक है। तो फैसिलिटीज़ के मामले में CDPO थोड़ा सा कम हो जाता है, जबकि SDM को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है, ठीक है। अब फैसिलिटीज़ से आगे बढ़ते हैं और आपको वर्क प्रोफाइल की बात करते हैं, जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं।
तो पहले हम लोग CDPO की बात कर लेते हैं। तो CDPO का काम है कि 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे जो भी होते हैं या किशोरियों होते हैं या कोई गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके जो स्तनपान कराने वाली महिलाओं के संबंध में जो भी योजनाएं होते हैं 0 से 6 वर्ष से आयु के बच्चों के लेकर के किशोरियों और गर्भवती महिलाओं के लिए योजनाएं उनके क्रियान्वयन करते हैं, संबंधित नीतियों और विधानों, बजट इत्यादि की आवश्यकताओं को, बचपन की देखरेख और पोषण कार्यक्रमों को जो है वो निगरानी, मूल्यांकन और पर्यवेक्षण से संबंधित इनका कार्य है। मतलब ये जो भी प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम चलता है, ठीक है, समाज कल्याण से संबंधित, अर्थात आप ICDS समझ रहे होंगे, ICDS योजना या फिर आंगनबाड़ी योजना जो है, आंगनबाड़ी का जो भी चीज़ होता है वो सभी CDPO के माध्यम से ही होता है और आंगनबाड़ी जो काम करता है वो CDPO के निरीक्षण में ही काम करता है। एकीकृत बाल विकास योजना जिसको ICDS कहते हैं, ठीक है, राजीव गांधी योजना सशक्तिकरण लड़कियों के लिए, जो बाल सबला योजना चलाया जाता है, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना, ये सभी की जिम्मेदारी CDPO के पास ही होती है। प्रखंड के अंतर्गत आने वाले जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र है उनका निरीक्षण करना, उस छापामारी करना, उनसे प्रतिवेदन की मांग करना, ठीक है, ये सभी कार्य है CDPO के। इसके अलावा अपने बड़े पदाधिकारी को ये रिपोर्टिंग भी करते हैं। महिला एवं बाल विकास से जुड़ा हुआ कोई भी योजना होगा तो वो CDPO के माध्यम से ही लागू किए जाते हैं। जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, ब्लॉक स्तर पर ICDS योजनाओं के प्रभारी एवं बाल विकास परियोजनाओं के अधिकारियों, मतलब CDPO के साथ समन्वय स्थापित करते हैं। मतलब ये यूँ समझ लीजिए कि जिला स्तर पर जो भी पदाधिकारी हैं, कार्यालय हैं, और ब्लॉक से लेकर के निचले लेवल तक, मतलब आप आंगनबाड़ी केंद्र तक समझ लीजिए, उन सभी के बीच जो है वो समन्वय स्थापित करने का काम करते हैं। क्योंकि ग्रामीण स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है, लेडी पर्यवेक्षक होते हैं, उन सभी को ये दिशा निर्देश देते हैं, समय समय पर जरूरत के हिसाब से अपना कार्य को करवाते हैं। जबकि अगर SDM की बात कर ले तो SDM एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, ठीक है, एक प्रशासनिक अधिकारी होता है और ये अनुमंडल लेवल का DM होता है। DM जो कार्य जिला लेवल पर करते हैं वही सारे कार्य जो है अनुमंडल लेवल पर SDM को करना होता है। मतलब इनके कार्य का दायरा जो है वो काफ़ी विस्तृत है, वो CDPO को भी दिशा निर्देश दे सकते हैं, ठीक है, समय समय पर उनके उनसे प्रतिवेदन की मांग कर सकते हैं और CDPO को भी इनके दिशा निर्देशन में काम करना पड़ेगा, ठीक है। अनुमंडल स्तर पर ये क्या करते हैं, दिशा निर्देश से लेकर के मार्गदर्शन का भी काम करते हैं। अनुमंडल स्तर पर इनका मतलब इस तरह का ये खौफ है कि आप समझ सकते हैं इनका पावर जो है वो काफ़ी है, पुलिस डिपार्टमेंट को भी दिशा निर्देश दे सकते हैं और जितने भी नीचे के डिपार्टमेंट है जैसे ब्लॉक स्तर पर जो भी होता है वो सभी को, BDO वगैरह को भी ये दिशा निर्देश देते रहते हैं। CDPO भी इन्हीं के दिशा निर्देशन में काम करते हैं। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो भी भूमि विवाद से संबंधित मामला है इनके लिए इनका न्यायालय चलता है। ये जिले मतलब अनुमंडल लेवल पर कर्फ्यू का संचालन कर सकते हैं, धारा 144 लगवा सकते हैं, तो ये सभी काम ये करते हैं। तो इनके काम का दायरा जो है वो काफ़ी अधिकार मतलब विस्तृत है। ये अंतिम रूप से अनुमंडल स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए या कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसलिए इनका दायरा काफ़ी बड़ा हो जाता है और ये एक बड़े पदाधिकारी के रूप में देखे जाते हैं अनुमंडल स्तर पर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों में कौन सा बेहतर पद है। प्रमोशन की बात करें तो CDPO जो है वो CDPO का जो प्रमोशन होता है वो पहला प्रमोशन प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में होता है या प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में होता है। दूसरा उनका प्रमोशन जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर कह सकते हैं, उसके रूप में होता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर डायरेक्ट DM ही होते हैं। उसके बाद असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर के बाद इनकी प्रमोशन जो होता है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत होते हैं। जबकि एक SDM का बात करें प्रमोशन का तो ये DM तक पहुँचते हैं, SDM ADM बनते हैं, फिर DDC बनते हैं, फिर DM बनते हैं, ठीक है, DM के आगे भी जा सकते हैं अगर इनकी बचा हुआ है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए, CDPO और SDM में अगर हम कंपैरिजन करें तो SDM जो है वो बड़े पदाधिकारी होते हैं, SDM का जॉब क्राइटेरिया ज़्यादा बेहतर होता है और ज़्यादा बड़ा होता है CDPO की अपेक्षा। CDPO जहां शांतिपूर्ण जॉब करने वालों के लिए बेहतर है, वहीं SDM जिनको पावर दिखाना है, पावर के मामले में SDM बेहतर पद माना जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए, कंक्लूजन निकाला जाए तो SDM ज़्यादा बेहतर पद है CDPO के अपेक्षा, ठीक है।
तो CDPO का दायरा जो है, काम करने का दायरा एकदम छोटा है। इनको छोटे स्तर पर, आंगनवाड़ी स्तर पर, जो मैंने CDPO से संबंधित, जो जॉब प्रोफाइल से संबंधित वीडियो बनाया है, उसमें पूरे विस्तार से बताया है कि कौन कौन से, मतलब इनका जो जो भी संगठन है, उनके संगठन का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये काम करते हैं, वो सभी को बताया है। SDM के लिए भी मैंने 3-4 वीडियो बनाया है, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो सब है वो, उनके पावर से लेकर के इनके कार्य और इनके ट्रेनिंग वगैरह से संबंधित भी मैंने वीडियो बनाया है। तो बेहतर की बात करें तो बेहतर SDM ही होते हैं CDPO से। तो ये इस तरह से आप सभी पहलू को समझ गए होंगे CDPO और SDM के जॉब प्रोफाइल से संबंधित। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से जानकारी मिल सके कि CDPO और SDM में कौन सा बेहतर है। हाँ दोस्तों, इतना बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि CDPO का जॉब खासकर महिलाओं के लिए ज़्यादा बेहतर माना जाता है। ऐसे SDM भी महिलाएं जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर रही हैं जॉब, लेकिन ऐसा देखा गया है कि महिलाएं ज़्यादा चॉइस करती हैं CDPO को। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आप सभी पहलू को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक।